वेदांत के विषय के लिए आवश्यक होता है पुनः पुनः मनन करना। अब एक सूत्र देते हैं। आंख बाहर दुनिया देख रही है, पर जिस समय आंख बाहर देख रही है उस समय तुम आंख के देखने को भी देखो। कान जब शब्द सुनता है तो शब्द पर ध्यान देने की बजाय कान पर ध्यान दीजिए। आए हुए ध्वनि का अर्थ तुम्हारा मन समझता है तो शब्द पर ध्यान देने की अपेक्षा उस मन पर दृष्टि रखिए जिस मन ने उस ध्वनि का एक अर्थ बनाया। और मन से भी ज्यादा अपने ही दृष्टा स्वरूप पर दृष्टि रखो जिसने मन और कान और शब्द इस त्रिपुटी को जाना है। अभी जब आप देखते हो तो सामने दृश्य पर दृष्टि है, बीच का मन भूल जाता है, आंख बीच में है वो भूल जाती है। और मन के भी पीछे मैं दृष्टा स्वरूप चैतन्य हूं ये तो बिल्कुल ही भूल जाता है। आंख बंद के दृश्य न देखो, दृष्टा हो के दृश्य को देखो। शरीर बन के, शरीर बन के न करो तो तुम अकर्ता स्वरूप हो गए। कई लोग पूछते हम अकर्ता कैसे हो, हम अरे तुम अकर्ता स्वरूपा हो, स्वरूप से ही तुम अकर्ता हो। अकर्ता बनना नहीं, तुम हो, यू आर दैट, तुम हो, तुम असंग आत्मा हो, बनना नहीं है, होना नहीं है। अभी जब तुम कुछ देखते हो तो दृश्य पर दृष्टि है, अपने आप पे नहीं, शब्द पे ध्यान है, कान पे नहीं, मन पे नहीं और अपने आप पे बिल्कुल नहीं। तो ध्यान के इस तीर को दो दिशाओं में चलाओ। एक तुम्हारा ध्यान जहां बाहर शब्द स्पर्श रूप रस गंध में जाए, वहीं इस तीसरे तीर का जो दूसरा भाग है वह अपने आप की ओर जाए कि मैं इन इंद्रियों के रास्ते बाहर शब्द स्पर्श रूप रस गंध का जानने वाला दृष्टा हूं। द नोअर हु इज नोइंग, नोइंग इज नॉट एन एक्ट, knowing as a noun. Knowing is not a kriya, it is not a functioning. Knowing is my natural demeanor. ये मेरा सहज स्वभाव है। मैं देह नहीं, इंद्रिय नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, मैं असंगात्मा सच्चिदानंद स्वरूप दृष्टा हूं। पहली स्टेज, फिर मैं साक्षी स्वरूप हूं, अंतःकरण को भी लात मार दो, अंतःकरण का भी आधार अधिष्ठान। अच्छा, एक ही अंतःकरण के तुम साक्षी हो या समस्त अंतःकरणों के साक्षी हो? एक ही शरीर के साक्षी हो कि तमाम अंतरिक्ष और ब्रह्मांडों के तुम साक्षी हो? एक ही शरीर में बैठ करके तुम आत्मा हो या कि सर्व शरीरों में यही आत्मा? तो इसी का नाम परमात्मा हो जाता है। परमात्मा मतलब परम आत्मा। परम आत्मा सर्व दृश्य का स्वरूप है, बनना मिटना। और इस सर्व दृश्य का जो आधार मैं चैतन्य स्वरूप हूं, मेरे चैतन्य स्वरूप में ना कुछ बनना ना कुछ मिटना। कबीर साहब कहते ना किच आए वो ना किच जाए वो, राम की दुहाई है। दुहाई मतलब शोर मचाना नहीं,
दुहाई मतलब कि मैं शपथ लेके कहता हूँ इस संसार में ना कुछ आया है ना कुछ जाएगा, क्योंकि आना जाना जिसमें दिख रहा है वो तो मिथ्या है। अद्भुत। देखो योग में समाधि लगेगी तो कुछ प्राप्ति होगी, जब तक समाधि नहीं लगाओगे बोलो कोई प्राप्ति नहीं। भक्ति मार्ग में जब तक इष्ट का दर्शन नहीं होगा तब तक कोई प्राप्ति नहीं हुई। तो लगो लगो भक्ति में, शरणागत प्रणिपात भजन सुमिरन करो कीर्तन करो, फिर किसी दिन भगवान का दर्शन हो जाएगा। कर्म में यज्ञ करो दान करो तीर्थ करो और फिर मरने बाद तुमको स्वर्ग मिलेगा। वेदांत कहता है मरने बाद नहीं, अभी के अभी यहीं के यहीं। अपना अज्ञान निवृत्त करो, अपना निज स्वरूप जानो और धन्यो हम, उसी क्षण में तुम धन्य धन्य हो जाते हो। पर यह बात बुद्धि में जाए तो, पर बुद्धि में बात जाती नहीं क्योंकि बुद्धि लगी पड़ी है बेटा बेटी बेटा बेटी बेटा बेटी, खाना पीना पशुवत। पूज्य हमारे स्वामी जी महाराज कहा करते थे, कहते थे तुम गृहस्थियों के ये हाल हैं, तुम कहते हो कि, मतलब ये एग्जैक्टली मैं उनके वर्ड्स रिपीट करने लगी हूं कि बगल में तो सुंदर सी पत्नी बैठी हो, गोद में प्यारा सा सुंदर सा मेरा बालक हो जो नाक में मेरे उंगलियां मारता रहे, खाने पीने के 3600 पदार्थ मेरे सामने पड़े हों, नोटों के बंडलों के ढेर मेरे पास लगे हों, हाँ ये सबसे मैं अपनी आसक्ति नहीं हटाऊंगा। अच्छा गुरुजी महाराज हमको वेदांत ज्ञान भी दे दो, ये भी तो सब मेरे पास हो गया, अब वेदांत ज्ञान की कमी रह गई वो आप दे दो तो चलो हम सेट हो जाते। कहते ऐसे नहीं होता, मन को कुछ तो खाली करना पड़ेगा कि नहीं, बिना वैराग्य के ज्ञान फलित नहीं होता। जैसे हमारे यहां खेत में कल परसों ट्रैक्टर चल रहा था खूब, गाय का चारा कट गया, अब अगली तैयारी करनी है तो पहली तैयारी का हिस्सा क्या होता है, ट्रैक्टर चलेगा, गहरी खुदाई होगी, अब उसको हवा लग रही है, कुछ देर छोड़ेंगे हवा के लिए धूप के लिए पानी देके छोड़ देंगे खेत को, कोई पत्थर कंकड़ होगा सब निकाल के बाहर फेंकेंगे, एकदम जमीन नरोई कर देते, नई सी कर देते, फिर इसमें बीज डालेंगे, जब इसमें फिर बीज डालेंगे 4 से 6 हफ्ते में नई फसल आ जाएगी। लेकिन आप अगर जमीन नरोई ना करो, कंकड़ पत्थर ना निकालो, उसको एरेशन नहीं दो, उसको धूप नहीं दो, उसको पानी नहीं दो, ऐसे ही बीज डाल दो ऊपर, चलेंगे क्या बोलो? और तुम कहोगे हमने तो खेती करी कोई नहीं, हम तो शहरों में रहते, तो गमले में ही उगा के देखो, गमले की भी मिट्टी को गुड़ाई करनी पड़ती, पानी देना पड़ता है, खाद देनी पड़ती है, खाली रखना पड़ता है, फिर उसमें बीज डालो। ये शिमला मिर्च टमाटर कुछ भी डालो, जो खाते हो वो डाल दो, फिर उसको कवर करो, फिर धूप पानी हवा, फिर प्रकृति का खेल देखो, 6 से 8 हफ्तों में निकल आते उसमें से अंकुर, पौधे लग जाते, पर जमीन पहले तैयार करनी पड़ती। ऐसे ही मन की भूमि को तैयार करना पड़ता है, काहे से, शक संपत्ति से। तो विवेक वैराग्य सम दम श्रद्धा तितिक्षा समाधान उपराम और बहुत तीव्र इच्छा मोक्ष की। अब कोई अब आवे मुझे मिलने, एक ने कहा जी मुझे आपको मिलना है, मैंने पता नहीं, चलो समय दिया, समय दिया तो कहते मेरी बीवी मेरे से बहुत लड़ती है, ले रब दाना है, अब ये मेरी जगह है बताने को कि तुम क्या करो, पर फिर भी हम बड़े धीरज से ऐसे चुपचाप शांत से सुनते रहे उसकी बात। फिर जब वो चुप हुआ तो मैंने कहा डिवोर्स दे दो,
हैं, डिवोर्स दे दूं। मैंने कहा जितने तूने लक्षण उसके दिखाए हैं तो वो सिर्फ कुलक्षण ही है, तो तूने कुलक्षण ही से दोस्ती क्यों बना दी है, जाने दो उसको। फिर कह रहे ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है। तो मैंने कहा फिर तुम पूछने से पहले देखो तो ना किससे पूछ रहा है। हमारा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ये पति पत्नी झमेले का एक्सपीरियंस मेरा कोई नहीं है। अपने हजारों हजारों मिलने वालों से जो कुछ सुना, जो कुछ समझा, जो कुछ जाना, उसकी आधार पर मैं कह रही हूं। कह रही नहीं आपने कोई मंत्र दे दो ना मेरे को जिससे मैं कर लूं तो वो ठीक हो जाए। मैं क्या ऐसा मंत्र मेरे नहीं पता, हम नहीं जानते ऐसा कोई मंत्र। तेरा मन मोह रहित हो जाए हम वो तो जानते हैं, बट हम ऐसा मंत्र नहीं जानते कि दूसरे तेरे काबू में आने लग जाए। ये बिल्कुल सच्ची घटना सुना रही हूं। एक लड़की बड़ी परेशान थी, वो एक ज्योतिषी के पास गई कि मैं ससुराल में मैं बहुत परेशान हूं, मैं क्या करूं। तो उसने चार्ट बनाया, कुंडली बनाई, उसने सब कुछ किया। करने के बाद कहते मैं एक उपाय बताता हूं। उपाय क्या है? बोले अपने पत्नी का जूता लेके, पति का जूता लेके उसको बराबर तोल का आटा बनाओ, उस आटे की रोटियां बना के उसी को खिला तो तेरा पति तेरे काबू आ जाएगा। तो कहती है मेरे तो हाथ सुन के ही कांपने लग गए, पहले कि मैं उसका जूता लूं, फिर मैं आटा तोलूं, फिर मैं उसकी रोटी पकाऊं। और जो चीखे तो देख खुद मत खा लेना, वो वाले आटे की रोटी तूने नहीं खानी, सिर्फ वो ही खाए, हाँ तो फिर सब ठीक हो जाएगा। अब ज्योतिष बताओ, भगवान ऐसे उपाय देने वाले बैठे हैं दुनिया में लोग। बोले घोड़े की नाल ले लो, शनिवार का दिन हो, काला कपड़ा हो, काली उसमें दाल हो, काले चने हो, घोड़े की नाल हो, काले तिल हो, अपने सिर से चार बार वारियो, नदी किनारे जाइयो, उधर सूरज अस्त होता हो, इधर तुम उस पोटली को डाल देना, आल तू जाल तू, आई बला को टाल तू, बोलना फेंक देना, तेरी सब बलाएं उतर जाएंगी। पंजाबी में कहते रब झूठ ना बुलाए, रब झूठ ना बुलाए, शाम के समय शनिवार के दिन देख लेना कितने वो गांठे डालने वाले लोग बैठे होंगे। नहीं आपको अच्छा लगे आप जरूर करिए, मुझे उसमें कोई परेशानी नहीं है, पर ये हमारा डिपार्टमेंट नहीं है। हमारा डिपार्टमेंट ये है कि तुम समझदार बन जाओ, कि तुम्हारी पत्नी चंडालिका हो जाए तो भी तुम बुद्ध की तरह शांत रह सको, या वाइस वर्सा तुम्हारा पति एकदम भूत हो और तुम एकदम साध्वी बन करके उसके सब ड्रामों को तुम देख सको और झेल सको सब। पर तुम झेलना चाहते हो तो झेलते हो ना। हमारा तो बड़ा सिंपल काम है। वो बोले सुनता नहीं ये वो है बे, इतनी बकवास काहे को सुननी भाई, तू अपने कार ऐसी अपने कार, तू भी खुश रहे हम भी खुश रहे, जरूरी है क्या? कभी कभी क्या बेमेल शादियां हो जाती, प्रॉब्लम हो जाती जब धीरज ना हो, अंडरस्टैंडिंग ना हो, गिविंगनेस नहीं हो, सर्विट्यूड नहीं हो, खाली भोग हो और क्रोध हो और लोभ हो, तो ऐसे में तो फिर बड़ी समस्या तो बन ही जाती। वो कोई आ मेरे पास काम नहीं है, मेरे पास काम नहीं है, मैं क्या करूं। मैंने कहा ये तो बड़ी ईश्वर की कृपा होगी, तेरा मन काम मुक्त हो गए, कितनी पैसे की दिक्कत है, ये है वो है। मैंने कहा भाई अब ये फिर मेरा डिपार्टमेंट नहीं, आई डोंट नो हाउ टू डू दैट, मैं सिखा नहीं सकती हूँ। हाँ मुझे पैसे बनाने की जरूरत पड़ी,
आज से 35 साल पहले हमारे इस शरीर के पिताजी ने मुझे बोला, बोले शादी नहीं करोगे, कोई नौकरी नहीं करोगे, गुजारा कैसे करोगे, तुम खाओगे कहाँ से, तुम बिजली का बिल कहाँ से पे करोगे। मैंने कहा आप चिंता मत करिए, हम आपसे पैसा नहीं मांगेंगे, कभी नहीं मांगेंगे। मैं इतना हुनर इस इन हाथों में है। मैंने कहा हम 2 घंटा भटूरे छोले बहुत अच्छे बनाते, मैं वो बेच के पैसे कमा लूंगी, मैं आपसे नहीं मांगूंगी, चिंता मत करो। ये ज्यादा बुद्धि की जरूरत नहीं है, थोड़ा हुनर, थोड़ा गुण, थोड़ी मेहनत हो, क्यों नहीं पैसा बनता, बन जाता है, कौन सी बड़ी बात है। पैसा बनाना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि अपने मन से मोह और अज्ञान के पर्दे को उठा देना, यह बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। संसार बुरा नहीं है, फिर कह दूं, ज्ञानी के लिए कभी संसार बुरा नहीं होता, वो संसार नहीं त्यागता, वो अपने मोह को त्याग देता है। वो बाबा जी बन के किसी गुफा में जाके नहीं बैठ गए थे राजा जनक, वो राजा रहे, राज करते रहे, राजपाट भोगते रहे, लेकिन कैसे, स्वप्नवत सब कुछ देखते हुए, स्वप्न की तरह सब देखते हुए राजा रहे। याज्ञवल का आचार्य रहे, वो पढ़ाते रहे, वशिष्ठ जी पुरोहित रहे, पुरोहित का काम करते रहे, रघुवंश के वो पुरोहित थे, अपना काम करते रहे। न तो काम से कोई एलर्जी है, न संसार से कुछ एलर्जी है, ज्ञान सिर्फ हमको स्वरूप का बोध करवाता है, और मन में वैराग्य रखते हुए अहम मम भाव रखे बगैर संसार का व्यवहार वो करता है, लेकिन करके भी अकर्ता, अभोक्ता, दृष्टा, साक्षी रहते हुए। अब साक्षी कई मनो साक्षी बना कैसे जाता है, जिसको साक्षी बनाना पड़े वो साक्षी हो ही नहीं सकता है, साक्षी तुम हो, बनना नहीं, ये कोई प्रोसेस नहीं है। मतलब कोई मंत्री बनना नहीं, हम क्या करें कि हम मंत्री हो जाएं, है? कुछ कुछ होने के लिए कुछ करना पड़ता है, पर आपका स्वरूप जैसा है उसको जानना भर, दैट्स इट, वर्क इज डन। तो एक तरह से सबसे सरल काम यही है, इसलिए हमने यही काम पकड़ा। आप ना अपने स्वरूप का ज्ञान करो और अपने ही स्वरूप के ज्ञान की चर्चा करो, मस्त। तो हमारी करियर काउंसलिंग तो यही है, द बेस्ट। आत्मज्ञानी बनो और आत्मज्ञान की ही बात करो, अपना अंधेरा दूर करो और दूसरों का अंधेरा दूर हो जाए, उसके लिए अगर योग्यता हो तो प्रयास करके जरूर दूसरा, क्योंकि यहां दूसरा कोई है नहीं ना, सब अपना ही तो स्वरूप है। जैसे स्वप्न में हजारों स्त्री पुरुष कोई और नहीं, तुम्हारा ही मन बना है, तुम ही हो वो, ऐसे यहां पर भी ये हजारों लाखों कोई और नहीं है, तुम ही हो। भक्त की दृष्टि से कहेंगे तो बोलेंगे सब परमात्मा ही है, ज्ञानी की दृष्टि से कहें तो सब अपना आप ही है, तो यहां दूसरा थोड़े ना कोई, तो कोई किसी पे एहसान थोड़ी कर रहा है। आपको क्या लगता है हम आपको बैठ के ज्ञान दे रहे हैं? नहीं नहीं, हम तो अपना ही स्वरूप मनन कर रहे हैं और आनंद ले रहे हैं, और वो स्वरूप मनन की बात सुन के उम्मीद करते हैं कि तुम भी आनंद ले लो, तो दैट्स इट, इट्स नॉट माई जॉब, इट्स नॉट सम सर्विस। एक कोई आए हमें मिलने अभी थोड़े दिन पहले, कहते आप कितना बड़ा ज्ञान का दान कर रहे हो, आप कितना बड़ा काम कर रहे हो। मैं क्या क्या बात कर रहे हो, हम तो मजे कर रहे हैं। ब्रह्म दिसे ब्रह्म सुनिए, एक एक वखाणिए, आत्म पसारा करण हारा प्रभ बिना नहीं जानिए, हम तो बस यही कर रहे हैं, तो इसमें बड़ा क्या है, इसमें कुछ बड़ा नहीं है।